हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और लास्ट में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अक्सर विवादों के चलते खबरों में रहने वाली अभिनेत्री राखी सावंत इन दिनों नए बखेड़े की वजह से चर्चा में आ गई है। 40 की उम्र में राखी ने शादी कर ली है, लेकिन इस शादी के बारे में एक अजीब बात है। अजीब ये है कि शादी के बाद राखी ने लोगों को अपने दूल्हे की एक झलक तक नहीं दिखाई है। मांग में सिंदूर, हाथ में चूड़ा और मंगलसूत्र पहने हुए राखी की तस्वीरें तो खूब वायरल हुई हैं। दुल्हन बनी राखी ने अपनी शादी की बात भी कबूल की है, लेकिन वो अपने पति से किसी को मिला नहीं रही है। यही नहीं, राखी दूल्हे के सामने नहीं आने के पीछे अजीब अजीब कारण बता रही है। हाल ही में राखी सावंत ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि क्यों उन्होंने अपने पति को मीडिया के सामने नहीं आने दिया। वो कहती है कि मेरे हस्बैंड को मीडिया बिल्कुल पसंद नहीं है, उन्होंने किसी के सामने नहीं आना था। शादी तो परिवार के बीच होती है, दुनिया को थोड़े ही बुलाना होता है। इससे पहले राखी सावंत ने खुलासा करते हुए कहा था कि मेरे पति रितेश अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम करते हैं। रितेश डोनाल्ड ट्रंप की टीम का एक अहम हिस्सा है। राखी सावंत ने अपनी लव स्टोरी के बारे में भी बताया है। उन्होंने कहा कि मेरा पहला टीवी इंटरव्यू देखने के बाद ही मेरे पति मेरे फैन बन गए थे। उन्हें जानने के बाद मैंने जीसस से बहुत प्रार्थना की थी मैं उन्हीं की पत्नी बनूं। हमने व्हाट्सएप पर भी चैट शुरू की थी और उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर ही प्रपोज किया था। मेरी मोम भाई और सभी लोग काफ़ी एक्साइटेड थे। होटल में हमने हिंदू और क्रिश्चियन वेडिंग की थी। उसी दिन हमने पहले कोर्ट मैरिज भी की थी। इसके अलावा स्पोटिफाई को दिए हुए एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी माँ बनने की प्लानिंग के बारे में भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि मैं साल 2020 में माँ बनने के बारे में सोच रही हूँ। खबरों की माने तो राखी ने NRI बिजनेसमैन रितेश से शादी की है। इससे पहले राखी ने दीपक कलाल से शादी की अनाउंसमेंट भी की थी। दोनों ने साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शादी की बात शेयर की, लेकिन जैसे ही वो दिन आया था तो खबरें सब झूठी निकली थी। राखी सावंत ने एक और इंटरव्यू के दौरान यह भी बताया था कि उन्होंने 28 जुलाई को JW मैरिट में एक दिन में शादी कर ली थी, लेकिन एक डर की वजह से उन्होंने शादी की बात किसी से शेयर नहीं की थी। वो इस बात से डर गई थी कि उन्हें फिल्मों में काम मिलना बंद हो जाएगा। खबरों की माने तो राखी के पति लंदन में रहते हैं, लेकिन राखी का कहना है कि वो शादी के बाद भारत में ही रहेंगी। तो इसी के साथ दोस्तों, आज की जानकारी खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। अपना ख्याल रखना, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाना।